प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए, जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बननी चालू हो जाती हैं। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि केवल सरकार प्लाज्मा ले पाएगी और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो कोई और नहीं ले सकता, हम ये नहीं कह रहे। अगर कोई फैमिली है, उन्हें प्लाज्मा चाहिए, उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है, वो कोरोना से ठीक हुआ, वो दे रहा है, तो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी जो हमारा मकसद है, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमजोर करना नहीं है। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले 2-3 दिन में। और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है। कोई खुद के नहीं कह सकता कि मेरा फलाना बीमार है इसलिए मुझे प्लाज्मा दे दो। डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है और डॉक्टर या हॉस्पिटल ILBS को अप्रोच करेंगे और ILBS उन्हें प्लाज्मा दे देगा। मेरी सब लोगों से, जो जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप सब लोग सामने आके खुल के प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। अगले कुछ दिनों के अंदर हम नंबर जारी कर देंगे, उस नंबर पे जो जो लोग देना चाहते हैं उस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं कि मैं देना चाहता हूँ, और उनसे संपर्क करके उनसे सारा इंतजाम कर दिया जाएगा उनसे प्लाज्मा लेने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग प्लाज्मा डोनेट करें और दूसरे लोगों की जान बचाएं।